मैं अरविंद जेन्यू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आपसे बात करूंगा कॉलेज प्रिपरेशन के बारे में। आपकी जो कॉलेज एग्जाम है उसमें आप कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे बेस्ट स्कोर करें, इसके ऊपर चर्चा करने वाला हूं और काफ़ी सारे टॉपिक्स पर बात करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो पेशेंस बना के एंड तक देखना है आपको इस वीडियो को। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को बताया कि आपकी कॉलेज एग्जाम आपके सर पर है क्योंकि अब आपके फॉरम भी स्टार्ट हो गए हैं। आप इंतजार कर रहे थे कि फॉरम आएंगे तब पढ़ेंगे। और बेसिकली हम सभी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती है हमेशा से, यार एग्जाम तो भी बहुत दूर है, अभी तो 3 महीने बाकी हैं, अभी तो 4 महीने बाकी हैं, अभी तो 2 महीने बाकी है, ये सोचने में लग जाते हैं। अरे अभी तो फॉर्म भी नहीं भरे गए भाई, अभी तो फॉर्म भरना बाकी है। तो भाई फॉर्म आ गए आपके, अब आप इंतजार कर रहे हो कि टाइम टेबल का, तो टाइम टेबल भी जल्दी आ जाएगा भाई, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन पढ़ाई स्टार्ट नहीं होगी। तो आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है क्योंकि ये नॉर्मल वाला सेशन नहीं है, ये आपका सबसे अलग सेशन हो गया। सेशन 2020-21 आपके राजस्थान प्रदेश के सभी कॉलेज विद्यार्थियों के बारे में चर्चा करूंगा इसमें। तो ये हम सोचने में समय निकाल देते हैं कि यार अब एग्जाम होगी, मतलब अब आने वाली है या इतना समय बाकी है, अभी तो प्रैक्टिकल भी नहीं हुए, अभी तो टाइम टेबल भी नहीं आया, अभी तो एडमिट कार्ड भी नहीं आया, लेकिन ये आदत है हमारी, ये आदत है। लेकिन जब एंड टाइम होता है एग्जाम का कि अब तो आ गया लास्ट टाइम, तब जाके हमको लगता है कि यार अब तो पढ़ना चाहिए, पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे, तो एक डर सवार हो जाता है सर पर। तो डर सवार मत करो, आप भय बिल्कुल भी नहीं करना है आपको और आप अभी से स्टार्ट हो जाओ। तो आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे हैं मेरी लास्ट वीडियोस पे कि सर हम कैसे पास हुए, हम कैसे किस ट्रिक को फॉलो करें, कम समय में कैसे पढ़ें जिससे कि बढ़िया नंबर आ जाए, पास हो जाए, क्योंकि अब टेंशन होना स्टार्ट हो गया है। अब सभी टेंशन में आ गए हैं कि यार अब तो एग्जाम होनी है। तो सबसे बड़ी बात तो यह कि भाई आप टाइम देना शुरू कर दो। अभी तक आप कुछ भी कर रहे होंगे, आप मजे कर रहे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे, कोई जॉब कर रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा, लेकिन भैया कॉलेज में ऐसे ही पास नहीं होते, आखिरी के 2-3 महीने तो आपको पढ़ना ही पड़ता है। और अभी तो 3 महीने भी नहीं बचे, अभी तो 2-2.5 महीने बचे, अभी तो आपको पढ़ाई शुरू करनी होगी। तो अब तक आप जो भी कर रहे थे वो आप छोड़ दो सारा काम, और अब आपको कंसंट्रेशन करना होगा पढ़ाई पर, सारी चीज़ों को स्किप कर दो। आप जो भी आप कर रहे हो, आप फोन में जो भी चीज़ कर रहे हो, गेम खेल रहे हो, मूवी देखते हो, आपकी आदत बन गई है, लॉकडाउन में आपने खूब मस्ती की है, कोई बात नहीं, लेकिन अभी आपका एग्जाम का टाइम है और एग्जाम के टाइम को आपको समय देना होगा। और आप पढ़ने बैठे ना तो ऐसे नहीं कि पढ़ने बैठे रुट के, आप एकांत में पढ़ाई करें सबसे बड़ी बात है, और टेबल पर पढ़ाई करें, चेयर्स पर पढ़ाई करें, बेड में कोई पढ़ाई नहीं करेगा, क्योंकि बेड पर पढ़ोगे तो मुझे पता है आप फोन चलाने लग जाओगे और सो जाओगे। अभी तो मौसम भी ठीक ठाक हो गया, ज्यादा सर्दी है ही नहीं है, तो अब आपको जगना है और पढ़ना है, अब सोने का टाइम नहीं है, क्योंकि 2 महीने बचे हैं और ये 2 महीने आपका यहां पर जो है रिजल्ट डिसाइड करने वाला समय है। अगर आप अभी भी नहीं पढ़ोगे, स्पेशली मेरे बीएससी वाले बच्चे, जितने भी बीएससी स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ना ही होगा, क्योंकि आपकी साइंस स्ट्रीम है, आपके फिजिक्स होती है, आपके मैथमेटिक्स होती है, आपके यहां पर केमिस्ट्री होती है, और ये सारी सब्जेक्ट पढ़ने वाली है। अगर आप बिना पढ़े जाओगे तो आप चाहे कितने इंटेलिजेंट हो, आपको कुछ नहीं होने वाला, आपको पढ़ के जाना ही होगा और आपको पढ़ना ही होगा भाई। पूरी 5 यूनिट है, 1 यूनिट थोड़ी ना है, 2 थोड़ी ना है, 5 यूनिट है, 5 यूनिट में टोटल 10 चैप्टर है, और एक पेपर में 5 यूनिट, 10 चैप्टर, 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन करने होते हैं, 1.5-2 पेज के, तो वह ऐसे थोड़ी ना याद हो जाएंगे। तो आपको समय निकालना पड़ेगा पहली बात, तो दूसरी बात कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, तीसरी बात सिटिंग पावर को बढ़ाना पड़ेगा, और चौथी बात सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन करना पड़ेगा, और बार बार नोट्स बनाओ, लिख लिख के पढ़ाई करो। ये चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि मैंने खुद ने भी ये चीज़ महसूस की है। देखो ये सब करते हैं, मौज मस्ती सब करते हैं और सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एग्जाम टाइम पे पढ़ना पड़ता है। अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, अगर आप किसी भी स्ट्रीम को हो, यार आपको पढ़ना है, आपको परसेंटेज बनानी है, इस 70 के अंदर भी आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, क्योंकि इस बार आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाती है, क्योंकि आप प्रमोट हुए हो, तो आप प्रमोट हुए तो आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिले, आपको आपकी परसेंटेज दिखाने का मौका नहीं मिला है, तो अब करो इस सत्र में। आप अगर आप फाइनल ईयर में हो तो अब आपकी एग्रीगेट कम बन रही है, तो आपके पास चांस है कि आप अपनी एग्रीगेट परसेंटेज को सुधार सकते हो। तो यहां पर प्रीवियस ईयर की पेपर्स के हेल्प लो। आप सभी को बताया राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक पैटर्न सा बना हुआ है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। मैंने भी 1-2 वीडियो बनाए, उसमें मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन ही 4 साल तक आ रहा है, मतलब 4 साल, मतलब 4 बार आ गया, 5 बार आ गया, 6 बार आ गया, तो आपको प्रैक्टिस करनी है ऐसे क्वेश्चन की यार जो बार बार पूछे जा रहे हैं। कौन सी बड़ी बात है, मतलब कि एक पेपर में 40 से 50 क्वेश्चन पढ़ने, और 40 से 50 क्वेश्चन आपने पढ़ लिए ना भाई 2 महीने के अंदर, एक पेपर के अंदर, तो आपको कोई नहीं रोकने वाला। देखो मैं टाइम टेबल की यहां पर बात करूंगा, वैसे मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा टाइम टेबल पर, जब टाइम टेबल आएगा या उससे पहले, कि आप अपने टाइम मैनेजमेंट को कैसे संभालें, क्योंकि गैप बहुत आते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, गैप आते हैं, हो सकता है इस बार कम रहे क्योंकि एग्जाम लेट स्टार्ट हो रही है, और नया जो सत्र है, नया जो सेशन है, वो समय पर स्टार्ट करना होगा सरकार को। लेकिन अभी क्या है, जैसे कि अगर गैप भी मिलते हैं तो आप ऐसी सब्जेक्ट को पहले कर लो जो पहले होती है,
वो तो खैर आपको टाइम टेबल से पता लगेगा, लेकिन फिर भी अगर आप लास्ट ईयर के टाइम टेबल को देखें तो थोड़ा आप मैनेज कर सकते हो कि यार ये पेपर पहले होते हैं तो मैं इनको पहले कर लूँ, या जो आपको टिपिकल लग रहे हैं, आपको लग रहा है फिजिक्स मुझे हार्ड लगता है तो भाई फिजिक्स को पहले निपटा लो, लग रहा है केमिस्ट्री थोड़ा मैं बाद में कर सकता हूँ केमिस्ट्री को बाद में कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वहीं मैं बात करूँ कि अब जो टाइम है आप कॉलेज भी जा रहे हो, आप सभी कॉलेज ओपन हो गए हैं तो सब कॉलेज जा रहे हो, चाहे फर्स्ट ईयर के हो, सेकेंड ईयर के हो, फाइनल ईयर के हो, पीजी कोर्सेज के हो, सभी बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहे हैं कॉलेज में। कॉलेज हम रेगुलर क्यों जाते हैं? प्रैक्टिकल के लिए। स्पेशली जो बीएससी के स्टूडेंट हैं, एमएससी के स्टूडेंट हैं, उनको प्रैक्टिकल के लिए जाना ही पड़ता है। और प्राइवेट कॉलेज का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में तो जाना ही पड़ता है। मैं महाराजा का स्टूडेंट रहा हूं और सभी महाराजा के स्टूडेंट मेरे से रिलेट कर पाएंगे इस चीज से कि प्रैक्टिकल के लिए तो आपको कॉलेज में जाना ही होगा। अगर आप प्रैक्टिकल में नहीं जाएंगे तो आप फेल भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। महाराजा में खूब बच्चे प्रैक्टिकल में फेल हुए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप रेगुलर नहीं जाएंगे, अगर आप रिकॉर्ड नहीं बनाएंगे, अगर आप वाइवा की तैयारी नहीं करेंगे, आप टीचर्स की नजर में नहीं आएंगे। इंपॉर्टेंट क्या होता है प्रैक्टिकल में? टीचर्स की नजर में आना। उसको पता है कि भाई बंदा रेगुलर आ रहा है, क्लास अटेंड कर रहा है, तो वो पास कर देता है। फिर भी आपको पास तो कर ही देता है, चाहे आपका वाइवा कैसा भी हुआ हो, क्योंकि आपको पता है कॉपी में तो आप कैसे लिखते हो आप सभी जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वाइवा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा आपका रिकॉर्ड, रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, क्योंकि रिकॉर्ड के तो पूरे में से पूरे नंबर 5 में से 5 आपको चाहिए ही चाहिए। 5 नंबर का 10 नंबर का जो भी आपका रिकॉर्ड होता है, शायद 5 नंबर का ही होता होगा, तो रिकॉर्ड तैयार करने में भी समय लगता है, इतना मोटा केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, इसके अलावा आपकी बॉटनी जूलॉजी की फाइल होती है भाई, इतनी मोटी मोटी फाइल, दो दो सीटें निकाल देते हो आप, 15-15 30 पेज के आसपास आपके बैठते हैं, डायग्राम्स बनाने में टाइम लगता है। अब वो अलग बात है कि आप अपने भाई को बोल दो या बहन के बोल दो कि भाई मेरे डायग्राम्स बना दो, मेरे प्रैक्टिकल की एक तरह से फाइल तैयार कर दो, वो अलग बात है। लेकिन अगर खुद कर रहे हो ना आप, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम निकालना पड़ेगा। अब आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा टाइम का कि मुझे इतने से इतने तक मेरे को कॉलेज जाना है, इसके अलावा मुझे फाइल वर्क करना है, रिकॉर्ड बनाना है, इसके अलावा अगर कोई आप ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो तो आप ऑनलाइन कोचिंग का अलग समय निकालो, इसके अलावा आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे हो, क्योंकि अब तो ऑफलाइन कोचिंग भी खुल गई है, तो ऑफलाइन कोचिंग का समय निकालो, और अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो समय निकालो। और सबसे बड़ी बात है, अगर राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, उन सभी से कहना चाहूंगा, कोचिंग वोचिंग ठीक है वो अपनी जगह है, अगर आपको लग रहा है कि आपको महसूस हो रहा है मुझे कोचिंग करनी चाहिए, अभी भी टाइम है, 2 महीने में हो जाता है आपका कोर्स, कोई बड़ी बात नहीं है, आपके अच्छे नंबर लायक वो करवा देते हैं टीचर्स। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो ना, तो आप उन कोचिंग वालों के बराबरी में नंबर ला सकते हो। अगर जो मैं ट्रिक बता रहा हूं ना, अभी 3 ट्रिक बताऊंगा, इनको फॉलो कर लिया ना, तो आपको कोई नहीं रोकने वाला सेल्फ स्टडी से भी अच्छा स्कोर करने के लिए। मैंने खुद ने 75%+ बनाई है बीएससी के अंदर, और वो भी सेल्फ स्टडी करके, कोई कोचिंग नहीं करी मैंने, केमिस्ट्री में भी नहीं करी, और केमिस्ट्री में भी मेरे काफी अच्छे नंबर आए हैं यार, बहुत अच्छे नंबर आए हैं, आप सभी के भी आ सकते हैं। तो एक तो प्रीवियस ईयर बार बार बोलता हूं लेकिन ये बिल्कुल जरूरी है, इसके अलावा नोटबुक आपके पास अगर पी भाग संधानी है केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में श्योर आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। बॉटनी जूलॉजी के आप डायग्राम्स की प्रैक्टिस करें, डायग्राम्स भी आते हैं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको पढ़ लें एक बार, और उनके अलग ही नोट्स बना लें सेपरेट। जैसे एक वीडियो में बताया था मैंने आपको कि मैं कैसे शीट्स के A4 साइज वाले पेजों में कैसे नोट्स बनाता था, उस वीडियो को जाके देखें, उसमें मैंने बताया है कि सेल्फ मेड नोट्स कैसे बनाते हैं, आप बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, और वही काम आते हैं। तो अगर आपने 5-5 यूनिट ऐसे तैयार कर ली सभी पेपर्स की, तो जब आपका एग्जाम टाइम होगा उसमें आप वही पढ़ के जाओ, आराम से पास हो जाओगे। इसके अलावा अगर आप कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ रहे हो कहीं से, और एक चीज़ ध्यान रखना, गैस पेपर पर बिल्कुल विश्वास मत करना, गैस पेपर में कुछ नहीं मिलता है, उनके भरोसे मत रहना। काफ़ी बच्चे गैस पेपर्स के भरोसे रहते हैं, ये हमारी आदत है, हम किसी पे विश्वास कर लेते हैं। लेकिन मैं बोलने चाहूँगा मेरे सभी भाई बंधुओं से, भैया विश्वास नहीं करना है, होता है, हो सकता है कि पेपर मिलते भी हैं, और मिलते हैं, मैंने देखा है, काफ़ी सत्र में देखा है आपके पेपर आते हैं, लेकिन आपको उनके भरोसे नहीं रहना है। अब ये सेशन पूरा बदल गया भाई, इस सेशन में कुछ भी हो सकता है, तो आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, और आपकी पढ़ाई में फोकस करना है, और अब जग जाओ भाई, जग जाओ, पढ़ाई स्टार्ट कर दो, एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो गए, इसके अलावा आपकी एग्जाम आने वाली है, और अब आपके पास 2 महीने, 2 महीने में तो कुछ कर जाओ या घर जाओ, आखिरी टाइम बचा है, 2 महीने आपके पास में है, मैं भी आपके साथ में हूँ, जो भी मेरे मुझे जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी नॉलेज है, वो आपके लिए हमेशा लेके आता रहूँगा वीडियो। आपको जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, चाहे वो प्रैक्टिकल हो, चाहे वो आपकी एग्जाम हो, चाहे एग्जाम पेपर हो, पैटर्न हो, सिलेबस हो, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप कमेंट करें, दबा के कमेंट करें, दबा के लाइक करें, मैं जरूर रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद।